वंश न्यूज दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। संगीतकार बप्पी लहिरी यांचं निधन झालंय। 79व्या वर्षी त्यांनी मुंबईमध्ये अखेरचा श्वास घेतलाय। पीटीआयनं या निधनाचं नुकतंच ट्विट केलेलं आहे। रुग्णालयामध्ये उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालंय। संगीत क्षेत्राला आणखी एक मोठा धक्का। संगीतकार गायक बप्पी लहिरी यांचं निधन झालेलं आहे। पीटीआयनं नुकतंच या संदर्भातलं वृत्त ट्विट केलेलं आहे। रुग्णालयामध्ये उपचारांदरम्यान त्यांचं निधन झालंय। मुंबईमध्ये त्यांनी अखेरचा श्वास घेतलाय। बप्पी लहिरी अलोकेश लहिरी लहिरी असं त्यांचं खरं नाव, मात्र बप्पी लहिरी म्हणून ते प्रसिद्ध होते। बप्पी लहिरी यांचं मुंबईमध्ये उपचारादरम्यान निधन झालं। अभी बॉलीवुड से बड़ी दुख वाली खबर सामने निकल के आ रही है कि बॉलीवुड के लेजेंड बप्पी लहिरी का निधन हो चुका है। आपको बताऊंगा कि आज अभी मुंबई में इन्होंने आखिरी अंतिम सांस ली, और इसी के साथ आपको बताऊंगा कि आज ये पूरी दुनिया और बॉलीवुड को अलविदा कर रुखसत हो गए। बहरहाल आपको यहाँ बताऊंगा कि बप्पी लहिरी 90 के सबसे बेस्ट सिंगर थे और इनके गाने डिस्को डांसर को भला कौन भूल सकता है। लेकिन आपको बताऊं कि बप्पी लहिरी ने आज मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली, और इसी के साथ आपको बताऊंगा कि पूरे बॉलीवुड को दुखी करके चले गए। आज पूरा का पूरा समाज जो है वो सिर्फ के सिर्फ बप्पी लहिरी के नाम है। यहां आपको बताऊंगा कि बप्पी लहिरी काफी टाइम से बीमार चल रहे थे। Oh,
वंश न्यूज दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत।